हेलो दोस्तों, आज हम चावल के आटे के फरे बनाने जा रहे हैं। तो ये बहुत ही ट्रेडिशनल डिश है और ये एकदम आसानी से बन जाती है, बहुत ही कम तेल में एकदम स्टीम होकर के बन जाती है ये भाप से। तो इसके लिए मैंने ये चने की दाल रात में भिगो दी थी। एक कटोरी चने की दाल है, ये 8-10 हरी मिर्चें हैं और 8-10 लहसुन की कली और थोड़ा अदरक है। इन सबको मिक्सी में डाल के हम अच्छे से इसको पीस लेंगे दरदरा दरदरा। तो ये देखिए पिस चुका है। और उसके बाद मैंने इसमें आधा चम्मच पिसी हुई हल्दी पाउडर और एक चम्मच पिसा हुआ लाल मिर्च पाउडर और इसमें मैंने आधा चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर और स्वाद अनुसार नमक डाला है इसमें। अब हम इन सबको अच्छे से मिक्स करके एक साइड रख देंगे बैटर को। अब हमने कढ़ाई में पानी गर्म होने के लिए रख दिया था, तो उसमें मैंने ये नमक डाल दिया स्वाद अनुसार। थोड़ी सी मैंने इसमें ये हींग डाल दी है और ये थोड़ा सा मैंने इसमें ये घी डाल दिया है। इन सबको डालने के बाद हम पानी को अच्छे से खौला लेंगे। और अब हम चावल के फरे बना रहे हैं, तो उसके लिए मैंने ये 1.5 कटोरी आटा लिया था चावल का, वो मैंने ये गर्म पानी में डाल दिया है। गर्म पानी में डालने के बाद इसको हम अच्छे से मिक्स करके थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। और जब ये ठंडा हो जाएगा तो थोड़ा सा घी इसमें लगाते जाएंगे और इसको आटे की तरह अच्छा सा डो बना लेंगे, सॉफ्ट एकदम इसको आटे की तरह गूंद लेंगे। उसके बाद मैं इसकी लोइयां बना के मैंने इसको इस तरह से बेल लिया था। और बेलने के बाद मैंने इसको, आप किसी भी बर्तन से इसको काट सकते हैं गोल शेप देने के लिए, तो मैंने ये गिलास से इसको काट लिया है। इसकी इस तरह से पूड़ियाँ सी बन गई थी। और उसके बाद जो हमने चने की दाल का बैटर बनाया था वो मैं इस तरह से इसमें भर दूंगी। और भरने के बाद देखिए हमारे सारे फरे हमको इस तरह से बना लेने हैं। और इसके बाद मैंने एक भगोने में या किसी भी बर्तन में आप पानी रख सकते हैं, अगर आपके पास स्टीम करने का बर्तन है तो आप उसमें कर सकते हैं। और ये देखिए चलनी में मैंने इस तरह से सारे फरे को इस तरह से मैंने लगा दिया है इसमें। और लगाने के बाद इसको हम 10 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। तो 10 मिनट हो गए हैं और अब मैंने इनको बाहर निकाल लिया। तो देखिए हमारे चावल के फरे एकदम से रेडी हो चुके हैं बढ़िया से। तो ये खाने में बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बनते हैं और ये बहुत ही मशहूर और पॉपुलर डिश है। आप भी इसको अपने घर में बनाइए, ट्राई कीजिए और मुझे बताइए।